पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह नो, सच्ची झूठ नहीं कह रहा। लगता है तुम कुछ चीज मांगना चाहते हो। बोलो क्या चाहिए। वो आपने बोला था ना दिवाली पे नए कपड़े दिलाओगे। पिछले साल दिलाए थे ना कपड़े। जाओ उन्हीं पुराने कपड़ों को पहनो। ओह नो, नए कपड़े चाहिए। पर पापा वो तो आपने पिछली दीपावली पे दिलाए थे। इस बार नई दीपावली है तो कपड़े भी तो नए होने चाहिए। इस साल मुझको बोनस नहीं मिला है तो कोई कपड़े अपड़े नहीं आएंगे। रवि तेरा बाप तो कंजूस है, कपड़े तो दिलाएगा नहीं। कम से कम मिठाई में रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो आएगा। पापा इस बार मिठाई कौन सी आई है। सोन पापड़ी। क्या सोन पापड़ी? क्या सोन पापड़ी? क्या सोन पापड़ी? इस बार फिर से सोन पापड़ी। अरे पापा पिछले साल भी सोन पापड़ी मिली थी, इस बार भी सोन पापड़ी। जब से साला पैदा हुआ दीपावली में सिर्फ सोन पापड़ी खा रहा हूँ। अरे कभी तो रसगुल्ला खाने को मिले, गुलाब जामुन खाने को मिले। सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी खा खा के अंदर से सोन पापड़ी हो गया हूँ। और भाई रवि क्या हाल है। अरे कुछ नहीं, छोड़ यार। अबे इतना उदास क्यों है, बंदी छोड़ के चली गई क्या। अरे क्या हुआ बता तो सही यार। गुड्डू तू ही बता, दीपावली साल में एक बार आती है, अगर इस दिन भी मैं नए कपड़े ना पहनूं तो कैसे चलेगा यार। वही दिक्कत है, पापा से पैसे मांगे नहीं दिए कपड़ों के लिए। तेरा बाप ना एक नंबर ठरकी है। ओह नो, वो ऐसा तुझे पैसे नहीं देगा कपड़ों के लिए। ये देख मैं कैसे दिलाता हूँ तुझे कपड़े। अंकल। हाँ गुड्डू बेटे। अंकल कल हमारे घर में ना लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा है तो आप जरूर आइएगा। तो गुड्डू बेटे कौन कौन आ रहा है पूजा में कल। वो अंकल कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ पापा के कलीग हैं और मेरी मम्मी की कुछ सहेलियाँ आ रही हैं और एक मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है, हाँ गुप्ता आंटी, वो भी कल आ रही है। रवि बेटे तुम्हें जो भी कपड़े लेने हो तुम ले लेना, पैसों की चिंता मत करना, बहुत पैसा है। कल गुप्ता आंटी आ रही है ना। ओह नो, मतलब कल हम पूजा में जा रहे हैं ना, इसलिए अच्छे दिखने चाहिए।